गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं शुभम कुमार आप सभी का लर्न विथ JCI एजुकेटर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंटीग्रेशन क्लास 12th का पढ़ने वाले हैं और आप इसमें से सभी लोग जो देख रहे हैं वो जान रहे हैं कि इंटीग्रेशन के दो पार्ट हैं, एक इनडेफिनिट है और एक डेफिनिट है। तो हम लोग सबसे पहले इनडेफिनिट पर चर्चा आज करेंगे जो कि आज अपने का टॉपिक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो साहब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को समझाने से पहले सबसे पहला वर्ड है इसमें इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट को थोड़ी देर के बाद हम चर्चा करेंगे, उससे पहले हम ये चर्चा कर लें कि इंटीग्रेशन क्या होता है। आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे ये चैप्टर आपके क्लास 12th के लिए बहुत ही लाभदायक है और इससे कई बहुत ज़्यादा ही नंबर से पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको इनडेफिनिट थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, उससे पहले मैं ये बता दूं कि इंटीग्रेशन है क्या। आप लोगों ने पहले ही क्लास में डिफरेंशिएशन को ख़त्म किया है तभी जा कर के इंटीग्रेशन पढ़ाने आए हैं, इसलिए इंटीग्रेशन क्या है। तो इंटीग्रेशन क्या है आपको पहले मैं बता दूं कि इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आपको ये पहला पॉइंट आपको हम बता दे रहे हैं कि पहला पॉइंट आपको लिख भी लीजिए, पहला पॉइंट आप लिखने में कोई दिक्कत ना करें, पहला पॉइंट आप लिख लीजिए। पहला पॉइंट क्या है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो ये आप पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या है, अब चूंकि डिफरेंशिएशन को हम लोग डेरिवेटिव बोलते थे, याद है आपको, हम लोग डिफरेंशिएशन को बोलते थे डेरिवेटिव, या हम बोलते थे ना फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द डिफरेंशिएशन, तो एक ही बात होता था। तो चूंकि हम डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव बोलते थे और चूंकि डिफरेंशिएशन ही उल्टा है किसका, इंटीग्रेशन का, तो डेरिवेटिव का उल्टा हो गया एंटी डेरिवेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है या इंटीग्रेशन, पहले तो इंटीग्रेशन हम अभी समझा रहे हैं आपको, तो चूंकि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, माने उल्टा है, तो अगर हम डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव बोल रहे हैं तो उसका उल्टा को एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे। इसका मतलब हुआ कि इंटीग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, कि डिफरेंशिएशन को हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं तो इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे। मतलब डेरिवेटिव का एंटी कर दें तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन। ये साफ साफ मोटा मोटा तौर पर आपको ये डिफिनेशन है इंटीग्रेशन का। तो अभी हम क्या लिख रहे हैं हम लोग लिख रहे हैं इट इज नोन एज एंटी डेरिवेटिव। आप समझ रहे हैं, अच्छा इसको एक और नाम से जानते हैं जो कि बहुत खतरनाक है और आप में से सभी लोग उसको बाद में जाकर के भूल जाएंगे, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव कुछ हद तक लगता भी है कि डेरिवेटिव का उल्टा को हम लोग एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, लेकिन वो जो नाम है आप याद रखेंगे, क्योंकि आपसे पूछा था, अगर आपसे कोई पूछे कि फाइंड दी एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग, तो आप मान के क्या आप सोच लेना कि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है आज के दिन में इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसको जो है एक और नाम से बोलता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिमिटिव। समझ गए, तो अगर प्रिमिटिव बोले, अगर आपको एंटी डेरिवेटिव बोले, आपको इंटीग्रेशन बोले, सब क्या है एक ही बात है, बात समझ गए। चलिए हम लोग कुछ और आगे चलते हैं। तो आगे हम जो पॉइंट निकालने जा रहे हैं उस पॉइंट से आपको ये समझा दें कि अगर आगे जो पॉइंट है वो पॉइंट हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हम लोग शुरू किए थे। हम लोग क्या शुरू किए कि जो डेफिनेशन है अपना कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो वहीं से हम लोग क्या करते हैं शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं तो कैसे करेंगे, तो मान लीजिए कि अपने पास आज के दिन में एक डिफरेंशिएशन है d upon dx of small f का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो इसका हम लोग मान लेते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन कैपिटल f(x) होता है, कोई दिक्कत आपको, मान लेते हैं हम लोग
कि जो है स्मॉल एफएक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, क्या है, कैपिटल एफएक्स। बात समझ रहे हैं? तो अगर आपसे हम फिर से पूछे कि सर आप बताओ कि एफएक्स प्लस दो का डिफरेंशिएशन बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? तो एफएक्स का डिफरेंशिएशन कैपिटल एफएक्स है, और दो का डिफरेंशिएशन, दो का कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको? जीरो होता है। आप ये बात जान रहे हैं, तो जीरो होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी सिर्फ एफएक्स हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। और तीसरा नंबर हम ये पॉइंट समझा रहे थे, मान लीजिए डी एफ एक्स प्लस थ्री आपको बोल दिया, तो फिर से आपका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और फिर अगर 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 मान लीजिए डी एफ एक्स प्लस सी, कोई बच्चा बोला सर तीन ले लिए, चार ले लिए, तो कितना लेकर समझाइए? तो एक सी ले लीजिए, ठीक है, तो हम लोग सी ले लिए, तो क्या हो गया? एफ एक्स। ये क्या एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कैपिटल एफ एक्स, एफ एक्स प्लस टू का भी डिफरेंशिएशन कैपिटल एफ एक्स, क्योंकि टू का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, थ्री का डिफरेंशिएशन तो हो गया। मतलब ये सारे जो फंक्शन है क्या उसके डिफरेंशिएशन सेम है? सेम है, आपको दिख रहा है कि आपको क्या है, सेम है कि नहीं? अरे बताओ है कि नहीं। चलिए आप यहां से देखिए, अगर हम क्या बोला, जैसे बोला कि भाई एंटी डेरिवेटिव इसका करना है, मतलब अगर डिफरेंशिएशन एफ एक्स का कैपिटल एफ एक्स है, तो अगर हम इंटीग्रेशन करें किसका, कैपिटल एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करें, तो कैपिटल एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल एफ एक्स का डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब क्या है, एफ एक्स हो जाए। अब हमको बताओ कि एफ एक्स का कौन सा ले हम लोग, एफ एक्स का कौन सा डिफरेंशिएशन ले, ये वाला ले, ये वाला ले, ये वाला ले, ये वाला ले, क्योंकि ये सब एफ एक्स के ही इक्वल है, सब एफ एक्स के ही इक्वल है। तो अगर डिफरेंशिएशन एफ एक्स का एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन वो होगा, तो कौन सा ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, कौन सा ले, ये दुविधा है अपने पास, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अगर ये लेते हैं तो ये बुरा मानेगा, ये बुरा मानेगा, तो अगर ये लेंगे तो चार वाला, ये लेंगे तो पांच वाला, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग लिख देते हैं सीधे एफ एक्स प्लस सी लिख देते हैं। और आपको इससे ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर हम लोग सी इंटीग्रेशन में क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर सी क्या हो सकता है, डिफरेंशिएशन इसका जीरो होता है, लेकिन यहाँ सी क्या हो सकता है आपको, कुछ भी हो सकता है, सी कैन बी एनी नंबर। आप सी के बदले में माइनस वन ले लो, फिर भी वही, सी के बदले में टू ले लो, फिर भी वही, सी क्या है आपका, कोई भी एक क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो अभी हम जैसे कि डिफरेंशिएशन का हम पहला प्रोसेस इंटीग्रेशन का दिए, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सी का वैल्यू वन टू थ्री कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है, कोई निश्चित नहीं है, सी कैन बी एनी नंबर, सी कैन बी एनी नंबर, पहला बात। तो सी अगर इन कैन बी, तो सी इज इंडिफिनिट, मतलब अगर कोई भी नंबर हो जाएगा तो सी तो अनिश्चित हो गया। और तब आपको पता चलता है, तब आपको पता चलता है कि इंटीग्रेशन के आगे में इंडिफिनिट क्यों लगाया, क्यों लगाया पता, सी के चलते। तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन किसके चलते इंडिफिनिट नाम पड़ा, क्योंकि यहां पर सी का कोई भी वैल्यू हो सकता है, आप देख सकते हैं सी के बदले आप कुछ भी यहां रखें, कुछ भी रखिए आपको वही वैल्यू आ रहा, तो हम क्या करें एक जनरल ले लिए सी, सी के जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, सी कैन बी एनी रियल नंबर, सी कैन बी एनी रियल नंबर, मतलब सी बिलोंग्स टू क्या होगा, आर होगा, आर मतलब हो जाता है क्या चीज, रियल नंबर, सी बिलोंग्स टू आर, आप समझ रहे हैं। चलिए आइए, तो इतना बात समझाने के बाद हमको और भी कुछ ऐसा बहुत सारा चीज है इसमें जिसको आपको जानना है। तो सी तो आप समझ गए कि सी क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, और सी के कारण ही इस इंटीग्रेशन का नाम इंडिफिनिट पड़ा, क्योंकि कोई निश्चित ही नहीं है कि यहाँ पर क्या होगा, तो कोई भी डालने से परहेज है, क्योंकि आपको सी सर्च लिखना है, तो सी के कारण यहाँ पर नाम हो गया, इसका क्या नाम हो गया, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, आप समझ रहे हैं। चलिए अच्छा एक बात और है इसमें, बहुत सारा चीज है कि भाई ये क्या है सर, ये क्या है, आप पूछेंगे ये क्या है, तो ये है आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, बात समझ गए। और फिर आप जब पूछेंगे सर ये एफ डैश एक्स क्या है, जिसका हम लोग इंटीग्रेशन किए थे, ये इंटीग्रल है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऊपर लिखते हैं हम इसको इंटीग्रल,
इंटीग्रल्स, मतलब जिसका हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो क्या है, इंटीग्रल है। और ये क्या है, इंटीग्रेंट, ये आपका क्या है, इंटीग्रेंट, जिसका हम लोग जो इंटीग्रेशन किए और जो प्रोडक्ट आया, जो हमको रिजल्ट आया, उसको इंटीग्रेंट कहते हैं। और सी का तो आप समझ ही गए, सी क्या है, सी आप समझ गए। और डीएक्स को हम लोग थोड़ी देर में एक स्टेप में हम लोग समझते हैं कि डीएक्स यहाँ पर क्या है। और सब कुछ समझ गए, एफ एक्स इंटीग्रल है, इंटीग्रेंट है, सी क्या है, कोई भी कॉन्स्टेंट है। और इसी सी के चलते इस इंटीग्रेशन का नाम क्या पड़ गया, इंडिफिनिट, क्योंकि सी के बदले में कुछ भी हो सकता है। आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं, पॉइंट नंबर चार में आगे की ओर चलते हैं। क्या थी पॉइंट नंबर चार में, पॉइंट नंबर चार कहता है, उसको थोड़ा देर रहने देते हैं, उसको थोड़ा देर रहने देते हैं। पॉइंट नंबर चार कहता है, आपको समझा दें कि पॉइंट नंबर चार कहता है कि सी जो है, सी क्या है। तो सी आप बोले कॉन्स्टेंट है, लेकिन आपको हम बता दें कि ये कॉन्स्टेंट नहीं है। सी जो है ये एक कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच का एक कोई टर्म है। क्योंकि आप बोलेंगे सर, आप तो बोलते हैं कि अगर किसी का वैल्यू बहुत सारा हो सकता है, कुछ भी रख सकते हैं, उसको वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ भी आप सी तो बोल रहे हैं कि सब कुछ ले सकता है, तो ये कांस्टेंट कैसे हुआ। तो क्या है कि इट मे टेक एनी वैल्यू, बट इसका बिहेव कैसा है, इसका बिहेव क्या है, कॉन्स्टेंट का जैसा है। मतलब सी के जगह अगर हम पांच लिख दें, तो सी के जगह पांच अगर लिख दिए तो उसको छः नहीं बोलेंगे, मतलब वो क्या हो गया, फिक्स हो गया। लेकिन सी की जगह छः भी रख सकते हैं, ये इसका बिहेवियर है। तो यहाँ पर क्या है कि इसको जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। सी को क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, मतलब ये इसका हिंदी होता है मध्यस्थ, मतलब कि चर और अचर के बीच के, मतलब जो ऐसा हो जो चर का भी रूप कर सके, जो अचर का भी रूप कर सके, ऐसे कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और यही ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इसको आप ये मत समझना कि सी के बदले कोई भी वैल्यू रख दें ये वेरिएबल हो जाएगा, समझ गए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब आइए हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं, जिसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ये देख रहे हैं डीएक्स, ये क्या है, डीएक्स है। तो डीएक्स से आप क्या समझते हैं, डीएक्स से हम लोग ये समझते हैं कि ये जो है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर उसी के रिस्पेक्ट में क्या हुआ है, डिफरेंशिएशन हुआ। तो डीएक्स क्या होता है, तो डीएक्स जो है, डीएक्स आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन इज हैपनिंग, मतलब होगा, हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो अब एक बच्चा बोल दिया, क्या सर हम लोग सिर्फ डीएक्स को ही लेके चलेंगे, क्या सिर्फ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही होगा? तो कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। आप कोई भी फलन या कोई भी वेरिएबल के साथ में आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसमें कोई भी दर्द वाला या बुराई वाला बात नहीं है। आप कोई भी डिफरेंस, कोई भी वेरिएबल के साथ उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको समझाते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास ए इंटीग्रेशन कह रहा है ए टू दी पावर एक्स डी एक्स का। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर एक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, एक्स के क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो इंटीग्रेशन होगा तो भाई एक्स यहाँ पर क्या हो गया है, वेरिएबल, और ए क्या है, कांस्टेंट है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक्स क्या है, वेरिएबल, और ए क्या है, कांस्टेंट। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो एक्स यहाँ पर क्या हो गया, वेरिएबल, और जो बच गया वो क्या हो गया, कांस्टेंट। और इसका अगर आप लोग अभी नहीं जान रहे, अभी हम लोग लिस्ट ऑफ फार्मूला पर नहीं गए हैं, तो इसलिए हम आपको ये थोड़ा सा, मान लीजिए कि ऐसा इसका फार्मूला होता है ए टू दी पावर एक्स लॉग ए और प्लस सी लिखना जरूरी है। अभी हम आपको बताएं सी क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि डिफरेंशिएशन हो सकता था दो, तो इंटीग्रेशन में आपको सी लिखना बहुत ही जरूरी है, आप उसको नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो अगर अभी मान लीजिए आप कहेंगे सर ये एक्स के रिस्पेक्ट में था, चलिए तो खाली एक्स के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, कहेंगे नहीं चलो एक और देखते हैं, ए टू दी पावर एक्स और डी ए लिख दिए, आप बताओ अब ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, अब ये हो रहा है ए के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, ए के, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ए। अब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ए हो रहा है, तो एक बच्चा पूछा क्या सर ए कांस्टेंट रहा कि वेरिएबल हो गया,
अब तुमको पता चलेगा कि जब ए के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ पर ए कॉन्स्टेंट नहीं, ए क्या हो गया है वेरिएबल, ये क्या हो गया वेरिएबल, और एक्स क्या हो गया कॉन्स्टेंट। आप समझ में आया बात, जिसके रिस्पेक्ट में हम करेंगे वो वेरिएबल है और बाकी सारा क्या है कॉन्स्टेंट है। तो एक रिस्पेक्ट में कर रहा है तो ए यहाँ पर क्या हो गया वेरिएबल और यहाँ पर एक्स क्या हो गया कॉन्स्टेंट, और ये आपको कुछ इस जैसा हो गया। यहाँ पर x क्या होता था, ये यहाँ पर आपको x होता था वेरिएबल, n क्या होता था कांस्टेंट, तो यहाँ पर भी a यहाँ पर क्या हो गया है वेरिएबल और x क्या हो गया कांस्टेंट, इसके जैसा हो गया कि नहीं हो गया। और जब ये इसके जैसा हो गया तो इसका फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस वन बटा n प्लस वन प्लस सी। तो आप बताओ इसका फॉर्मूला ये रह जाएगा कि ये हो जाए, इसका फॉर्मूला आपको हम बता दें कि यह क्या हो जाएगा a टू दी पावर x प्लस वन बटा x प्लस वन प्लस सी। दोनों में अंतर समझ गए, दोनों में आप अंतर समझे, यहाँ पर क्या हो रहा था x के रिस्पेक्ट में हो रहा था तो a यहाँ पर क्या था कांस्टेंट और x क्या था वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर ये a क्या हो गया, ये आपका a वेरिएबल हो गया और x क्या हो गया जी कांस्टेंट हो गया। और इस तरह से ये जब वेरिएबल हो गया तो ये इस जैसा इस रूप का हो गया, x टू द पावर n के रूप का हो गया, जिसका फॉर्मूला ये होता है। अभी हम लिस्ट ऑफ फार्मूला पर जाएंगे, लेकिन आप ये समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझाने की कोशिश की आपको, यहाँ पर हम समझाने की कोशिश किए कि ये जितना भी है, अभी सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश किए कि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। आप बताओ कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो आप बोलेंगे कॉस एक्स बोलेंगे। अब हम उसी में पूछेंगे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप बोलिएगा साइन एक्स, ये दूसरे का उल्टा है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स प्लस सी प्लस सी, ये आप कर लेंगे राइट। ठीक है, अब इसमें हम आपको समझाने की इंटीग्रल है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये इंटीग्रेंट है, जो रिजल्ट आ रहा है सी कोई भी कॉन्स्टेंट है, लेकिन इसको कॉन्स्टेंट का दर्जा नहीं है, इसको आर्बिट्री कॉन्स्टेंट का दर्जा है। ठीक है, आप किसी भी इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव कह सकते हैं। आपको ये बात समझ में आ गया कि भाई इसको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन क्यों कहेंगे, क्योंकि ये सी के वजह से ही इसका नाम पड़ गया क्या, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। डीएक्स क्या है, डीएक्स जो है इंटीग्रेशन इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसमें आप दूसरा पॉइंट भी लिख देंगे, दूसरा पॉइंट क्या लिख देंगे कि इंटीग्रेशन में बी हैपनिंग एनी फंक्शन विथ एनी फंक्शन और वेरिएबल विथ एनी फंक्शन एंड वेरिएबल। बात मेरा समझे, बात आप मेरा समझ गए कि भाई इंटीग्रेशन किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप कर सकते हैं, बशर्ते आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह क्या हो रहा है। हर समय आप ये नहीं कर सकते हैं कि जो फार्मूला है उसके किसके रिस्पेक्ट में किया गया है, उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, अगला पॉइंट है सिक्स में जाने से पहले हम आपको कुछ एक आध क्वेश्चन जानना चाहते हैं। Find the primitive, anti derivative और integration तीनों क्या है, एक ही चीज है। तो find the primitive of x square plus 3 with respect to x square plus 1। देखिए अब इसमें से आप लोगों में से कितने लोग को लगता है कि अगर हम primitive को ये लिख दें तो किसको किसको आ गया सबको कि भाई प्रिमिटिव को हम ये लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। किसका इंटीग्रेशन करना है, इसका और इसका, किसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का करना है तो लिख दिए, और उसके रिस्पेक्ट में करना है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, डी एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसके रिस्पेक्ट में तो डी के रिस्पेक्ट डी एक्स लिखते हैं ना, तो वहां हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन। आप बताओ कि अभी तो हम आपको तरीका तो नहीं बताए हैं, लेकिन आप इसको देख लीजिए, सोचिए कि कैसे इसको करना है। अगर कल को हम एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मान लिए, अगर कल को हम एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मान लिए, तो ये हमारा जो है ये एक्स प्लस
टू बन गया, सॉरी ये टी प्लस टू बन गया, इसमें कहीं किसी को दिक्कत, और ये बन गया डी टी। एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब वन है ना, यहाँ पर टू तो बच जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन के बदले टी लिखेंगे और टू यहाँ पर टू हो गया और यहाँ पर क्या हो गया डी टी। अब जब इतना बात आप समझ गए हैं, तो इतना बात जब आप समझ गए हैं तो टी का डिफ्रेंसिएशन आपको आता है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डी टी। टी यहाँ पर वेरिएबल है, टी यहाँ पर क्या है वेरिएबल है, तो टी यहाँ पर वेरिएबल है तो टी का कितना हो गया, आपको पता होगा कि भाई एक्स स्क्वायर का होता है एक्स के पावर तीन बटा तीन, ऐसा होता है। या आप ये फार्मूला देख लीजिए, ये टी के पावर वन है, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है टी के पावर वन प्लस वन बटा वन प्लस वन प्लस सी, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बटा दो, लेकिन इसको थोड़ा सा और क्या करते हैं, एक स्टेप और इसी में एक पॉइंट भी हम लेते चलते हैं, क्या इसको हम dt प्लस में 2dt लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। तो अब बताइए क्या हो गया टी स्क्वायर बटा दो प्लस टू को हम क्या करेंगे बाहर, जिस तरह से कोई भी कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में भाग नहीं लेता था उसको बाहर कर देते थे, उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी कोई कांस्टेंट भाग नहीं लेगा तो टू बाहर, तो ये क्या हो गया वन डॉट डी टी, इसको हम क्या बोल दिए वन डॉट डी टी। तो इस तरह से हो गया टी स्क्वायर बटा दो और ये हो गया टू, और वन डॉट डी टी को टू टी लिखते हैं। अब इसका क्या लफड़ा है, वन डॉट डी टी को टी, वन डॉट डी वाई अगर रहता तो क्या लिखते उसको वाई, वन डॉट अगर डी जेड रहता तो उसको हम क्या लिखते जेड, मतलब वन का वही हो जाता है जो उसका वेरिएबल होता है, समझ में आ रहा। तो अभी हम इसको हम बताना चाह रहे हैं कि डी टी का टी कैसे हो गया। तो आपको पता होगा फिजिक्स में जब पढ़ते होंगे तो इस तरह से एक लूप बनता होगा, लूप इस तरह से देता होगा, देखिएगा। तो इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन ऑफ द लूप, मतलब पूरे लूप का, और उस लूप में आपको कहीं ना कहीं कहता होगा कि ये जो है डी टी है, कहता है ना, तो ये डी टी मतलब होता है स्मॉल पार्ट ऑफ टी, और यही छोटा 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 भाग को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो ये पूरा क्या हो जाता है लूप। तो इसका मतलब क्या हुआ पता, इंटीग्रेशन एक समेशन है, इसका मतलब हुआ कि इंटीग्रेशन क्या है समेशन है। तो डी टी को हम छोटा 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 भाग में अगर पूरा इन्फिनाइट तक जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा, टी मिल जाएगा। तो इस छोटे वर्ग में आप समझ सकते हैं कि डी टी क्या है आपका, मतलब इंटीग्रेशन क्या है समेशन है, समेशन है ना। आपको पता होगा डिफरेंशिएशन जब पढ़ा था फर्स्ट प्रिंसिपल आपको पढ़ाए थे, उसी तरह से इसका भी फर्स्ट प्रिंसिपल है इंटीग्रेशन का, उसको बोलते हैं लिमिट एज ए सम, मतलब इंटीग्रेशन अगर आपको चाहिए तो उस समेशन से गुजर के इंटीग्रेशन तक आना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी कोई लंबा चौड़ा बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना बात कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन क्या है सम है। तो डी टी को, डी टी छोटा सा पार्ट होता है, वही छोटा सा पार्ट को जोड़ते इन्फिनाइट तक जोड़े तो हमको क्या मिल जाता है टी मिल जाता है। तो वन डॉट डी टी क्या हो गया टी। तो जब इतना बात आप समझ गए हैं तो कल को ये जब कोई पूछे वन डॉट डी वाई कितना होगा तो आप क्या बोलिएगा वाई प्लस सी, और अगर कल को बोले वन डॉट डी जेड कितना होगा तो आप क्या बोलिएगा जेड प्लस सी, मतलब वन का वही हो जाता है ना। अगर आपको बोले कि टू डॉट डी टी कितना होगा तो आंसर क्या होगा टू टी, क्योंकि टू आ जाएगा बाहर फिर वन डॉट डी टी तो वही ना हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर वन डॉट डी वाई है तो वाई, वन डॉट डी एक्स है तो एक्स, अगर इसी में वन डॉट लॉग डी लॉग एक्स है तो क्या आंसर होगा। अगर हम इसी में बोले कि वन डॉट डी लॉग एक्स है ln x है तो क्या आंसर होगा भाई, इसका हो जाएगा ln x, यही तो है डी वाई टू वाई, तो डी लॉग एक्स है तो आंसर क्या होगा ln x। बात समझ रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप यहाँ पर चक्कर खा जाइए सर, वन का इंटीग्रेशन जीरो, तो भाई वन का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो वन का इंटीग्रेशन आपको हम बता दें कि वन डॉट जिसके रिस्पेक्ट में है वही हो, और जो अगर वन से ज्यादा हुआ तब क्या करेंगे सर, तो वन से अगर ज्यादा हो तो उसको बाहर करो, वन तो आज सबके साथ है, तीन डॉट डी एक्स दे दिया, तीन बाहर वन डॉट डी एक्स, फिर एक्स तीन एक्स हो गया। बात समझ रहे हैं, किसी भी कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन वही हो जाता है, वही सेम कॉन्स्टेंट साथ में जो उसका जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, जैसे 10 dz का इंटीग्रेशन 10 z होगा। बात समझ रहे हैं, चलिए ये आप बात समझ गए हैं। इतना बात समझाने के बाद हम एक बात और इसमें समझाना चाह रहे हैं, इसमें एक बात और हुआ जो आप गौर नहीं किए, क्या नहीं गौर किए कि इसको हम लोग स्प्लिट किए, देखिए इसको क्या किए स्प्लिट किए, जैसे डिफरेंशिएशन में अलग करते थे, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, अच्छा इसका मतलब ये हुआ सर,
कि अगर इंटीग्रेशन में प्लस या माइनस रहा तो क्या उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, क्या उसको हम बांट सकते हैं, अलग 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 कर सकते हैं। हाँ, तो प्लस और माइनस जब रहे तो इंटीग्रेशन को आप अलग अलग कर करके बनाना है। लेकिन सर लफड़ा तब सर मल्टीप्लाई और डिफरेंशिएशन में भी वैसा ही करेंगे जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे? नहीं नहीं, तब आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपको नया चीज बताया जाएगा, उसमें आपको लफड़ा हो जाएगा, तो उस पर अभी बात नहीं करेंगे। सिर्फ इसमें हम ये बात यहाँ पर आया इसलिए इस पर चर्चा कर दिए कि अगर डिफरेंशिएशन दो फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस है तो उसको आप अलग अलग कर करके बना सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये काम नहीं होगा, उसमें क्या हो जाएगा, लफड़ा होगा। चलिए, तो ये तो हो गया, इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सातवां पॉइंट, अच्छा कोई पूछा कि सर इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट क्या करता है, रिप्रेजेंट क्या करता है इंटीग्रेशन जो है। सात नंबर पॉइंट हम क्या कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन का कोई ग्राफ व्राफ होता है क्या? तो आपसे पूछेगा कोई बच्चा, हमसे पूछ दिया कि सर इंटीग्रेशन का कोई ग्राफ व्राफ होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली, है ना? तो हम यहाँ पर सातवां पॉइंट बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ने इनडिफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है वो देखिए। मान लिया जाए आपके पास, मान लिया जाए कि है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है बाबू, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर भाई फॉर्मूला लगेगा एक्स टू दी पावर एन वाला, इसमें पावर एक जुट जाएगा, पावर नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स सॉरी एक्स का ही करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा दो प्लस सी, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो इसका सर इसका ग्राफ होगा क्या, इसका ग्राफ होगा क्या, हम बोले हाँ होगा, काहे नहीं होगा ग्राफ, इसका ग्राफ क्या होगा सर? तो इसका अगर हमको चाहिए ग्राफ ऑफ इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, तो कल को हमको एक्स डी एक्स का ग्राफ चाहिए तो कल को हम बोल सकते हैं कि इसका ग्राफ खींच देते हैं। क्यों 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 सर, एक बच्चा वाला क्यों सर ऐसा क्यों? अरे भाई इसका तो ये तो इक्विवेलेंट है ना, ये इसी के इक्वल है ना, तो इसका ग्राफ खींचना माने इसका ग्राफ खींचना बात बराबर है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का क्या है, इक्वल है, समझ रहे हैं आप? तो अगर कल को ग्राफ ऑफ एक्स डी एक्स बोले खींचने, तो हम क्या करेंगे, झट से एक्स स्क्वायर बटा दो का ग्राफ बना देंगे, बना देंगे। अब आप बताएंगे कि एक्स स्क्वायर बटा दो का ग्राफ कैसे होगा, तो आपको पता है ये एक्स स्क्वायर जैसे होगा, और बटा दो है तो थोड़ा सा फैल के होगा, लेकिन होगा किसके जैसा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कैसा ग्राफ होता है, याद कीजिए, यू जैसा, यू जैसा आपका ग्राफ होता है। ये किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बटा दो। लेकिन सी का क्या सर, सी का क्या करेंगे, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर बटा दो, सी का क्या? तो जब आप सी का पूछिएगा तो हम कहेंगे यहाँ पर सी जीरो है। आप बताइए सी यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू ले सकते थे, यहाँ क्या हो गया, जीरो। अच्छा सर कल को अगर वन होता तब, कल को अगर एक्स स्क्वायर बटा दो आप सी के बदले वन होता तो ग्राफ को एक यूनिट ऊंचा उचका देते, ऐसे करके यहां से बनता ये ग्राफ, ऐसे बनता, इसका मतलब वाई बराबर ये क्या हो जाता, एक्स स्क्वायर बटा दो प्लस वन। अच्छा सर माइनस तीन होता तब क्या करते, तो माइनस तीन नीचे ले जाते, नीचे ले जाते, ऐसे करके नीचे लेके चले जाते, ये ग्राफ हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बटा टू और माइनस तीन। अब माइनस दो के लिए ये ग्राफ, माइनस एक के लिए ये ग्राफ, और तीन के लिए ये ग्राफ। इस तरह से हम कितने ग्राफ खींच सकते हैं, इस तरह से हम इन्फिनाइट ग्राफ खींच सकते हैं, किसके वजह से, इस सी के वजह से, क्योंकि सी के बदले कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहा जाता है। लेकिन वो बात नहीं, यहाँ चर्चा करने वाली बात है ये जो इंटीग्रेशन जो है क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व को, फैमिली ऑफ कर्व। आपको जब एनसीईआरटी पढ़ने बोले होंगे उसमें लिखा होगा कि इंटीग्रेशन जो है ग्राफ का परिवार है, ग्राफ का क्या है, परिवार। आप देखिए क्या ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ, जितने भी ग्राफ है क्या एक जैसे है, क्या एक जैसे लग रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ ग्राफ। तो मतलब इंटीग्रेशन और कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है किसी भी फंक्शन का फैमिली ऑफ ग्राफ, मतलब ये ग्राफों का क्या है, ये परिवार है, ये ग्राफों का क्या है, परिवार है ना। और एक मजेदार चीज और क्या बताए कि मान लिया जाए कि यहाँ पर हम इसको इस पर क्या करते हैं, एक टेंजेंट खींचते हैं, इस तरह से खिंचाएगा, इस पर अगर टेंजेंट खींचते हैं इस तरह खिंचाएगा, और इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचते हैं इस तरह खिंचाएगा, तो क्या मालूम पड़ रहा है, इस सारे के सारे टेंजेंट कैसे हैं, सेम है,
क्योंकि इसका सारा का सारा स्लोप आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द ग्राफ ऑफ इंटीग्रेशन इज सेम। यहां पर आपको दो बात समझ में आना चाहिए कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हैं कि ग्राफ ग्राफ पूरा जो है फैमिली ऑफ ग्राफ को, एक ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं। आपको लग रहा होगा कि इसका एक ही ग्राफ बनेगा, लेकिन हम आपको बताएं ना, सी के बदले 0, 1, 2, 3 बहुत सारा रख सकते हैं। यहाँ ग्राफ क्या बहुत सारा होगा, इन्फिनाइट ग्राफ होगा, इसलिए इसको फैमिली ऑफ ग्राफ कहा गया। तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व। और यहाँ पर जितने भी कर्व हैं उसके टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। इतना बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग ये हो गया सातवां नंबर। आठवां नंबर हम लोग लिस्ट ऑफ फार्मूला पर चलेंगे। आठवां हम नंबर क्या है, लिस्ट ऑफ फार्मूला, लिस्ट ऑफ फार्मूला। लिस्ट ऑफ फार्मूला में हम लोग कुछ कुछ फार्मूला पर बात करेंगे और सारे फार्मूले डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है उसको आप, हम लोग बात किस पर करेंगे, लिस्ट ऑफ फार्मूला पर। तो आप एक बात हमको बताना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन का डिफरेंशिएशन बताओ। डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, तो एक यहाँ पर क्या होगा कि एक बटा एन प्लस वन जो है बाहर हो जाएगा और डिफरेंशिएशन एक्स प्लस वन बाई डी एक्स का होगा, ये बात आप जानते हैं। तो आप जानते हैं तो एन प्लस वन पावर है, तो पावर आ जाएगा कहाँ, बगल में। पावर कहाँ जाता है, बगल में, और उसमें पावर घट जाता है, घटेगा तो एक में से क्या हो, ये ना डिफरेंशिएशन हो, है ना। तो जब कल को ये डिफरेंशिएशन हुआ, और आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा है, तो कल को जब आपको एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन पूछे, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन पूछे, तो इसका मतलब क्या हो, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो ये सारा का सारा कट गया ना जी, ये पूरा कट गया। एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन डी एक्स। बोलो किसको किसको समझ में नहीं आया, आपको हम करके दिखाए कि x पावर n प्लस वन बटा n प्लस वन का डिफरेंशिएशन x के पावर n होता है, तो x के पावर n का इंटीग्रेशन तो ये होगा, तो ये हुआ कि नहीं हुआ बताइए, इंटीग्रेशन प्लस c लिखेंगे। और इसमें एक मजेदार बात है, ये जो बोलता है, हम बोलता है कि हम जो है एक को साथ नहीं रखते, एक को अगर हम साथ रखते हैं तो इसका सारा कंसेप्ट हो जाता है उल्टा पुल्टा। ये बोला कि हम n जो है माइनस एक नहीं रखेंगे, माइनस एक नहीं रखेंगे, तो नहीं रखा ये, तो माइनस एक रखने से क्या हो जाएगा, आप देख ही सकते हैं जीरो हो जाएगा, ऊपर भी आपको क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा तो इन्फिनाइट ना हो जाएगा, इसलिए बोला कि हम माइनस वन नहीं रख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा, इस पूरे लिस्ट ऑफ फार्मूला में एक ऐसा धोखेबाज है जो अपने आप को अलग रखता है, और वो क्या है पता, वो है वन बटा एक्स डी एक्स, वन बटा एक्स डी एक्स, क्योंकि एक्स टू द पावर ये क्या होता है माइनस वन, तो ये बोला हम रखेंगे ही नहीं, तो ये बोला हम ठीक है हम अपने देख लेंगे। एक्स टू द पावर माइनस वन जाएगा, ऊपर जाएगा तो एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस वन, तो माइनस वन तो ये लेता नहीं है, नहीं लेता है तो ये बोला हम अपने ले लेंगे। तो अभी सोचा कि भाई हम किसका डिफरेंशिएशन होते थे, वन बाई एक्स जो है हम किसका डिफरेंशिएशन होते थे, तो ये बोला जो है हम अपने लॉग मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन होते थे, वन बाई एक्स किसका हो जाता था, मॉड एक्स का, समझ गए। यहाँ पर आप ये बात समझे कि x टू द पावर n प्लस वन का डिफरेंशिएशन होता है x टू द पावर n, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन वो हो गया कि नहीं हो गया। ये जो है यहाँ पर dx है, तो x यहाँ पर क्या है वेरिएबल, और n यहाँ क्या है कांस्टेंट, बात आप समझ रहे हैं। चलिए अब क्या है कि अब हम एक बात आपको हम और चीज दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी है x टू द पावर n वन बाई x देख रहे हैं, ये अपने आप में लीनियर है, ये अपने आप में क्या है लीनियर मतलब रैखिक है, जिसका घात कितना होता है अपने आप में क्या है रैखिक है x। तो इसमें आप कोई भी लीनियर को भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि आपको अगर पूछेगा, अगर आपको यहाँ देखिए, अगर आपको पूछा कि ए एक्स लीनियर का होता है, लीनियर का सबसे सामान्य रूप ए एक्स प्लस बी होता है ना, याद रखिए रैखिक समीकरण होता था ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो। तो अगर इस तरह यहाँ पर x था, लेकिन हम ये x क्या है अपने आप में लीनियर था, तो यहाँ भी हम लीनियर दे दिए, तो ये इसी की तरह बिहेव करेगा, ये क्या है इसी की तरह बिहेव करेगा, तो कल को ये अपने आप को क्या फार्मूला देगा बताइए,
ये अपने आप को देगा पता ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन प्लस वन। देखिए पावर बढ़ा, एक्स का एक्स से लिखते थे जो रहता तो पावर बढ़ गया, लेकिन किस में? सिर्फ रैखिक समीकरण में। ध्यान दीजिएगा ये देखिए एक्स का पावर एक है, रैखिक हुआ कि नहीं हुआ? और नीचे क्या हो गया एन प्लस वन, हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि ऐसा तो ठीक है, लेकिन एक चीज और है कि यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव को आपको नीचे में भाग देना है। जब आप इसको इस ढंग से लिख रहे हैं तो इस ढंग का फार्मूला लगा, लेकिन आपको करना क्या है कि ये जो चीज है इसका डेरिवेटिव को भाग में लगाना है। मतलब ए एक्स प्लस बी का, ए एक्स प्लस बी का जो डिफरेंशिएशन, ए एक्स का कितना होगा ए, बी का कितना होगा जीरो, तो इसका डिफरेंशिएशन ए हुआ, तो यहाँ ए से आपको क्या लगाना है भाग लगाना। बस इतना सा सिंपल सवाल, खाली एक्स रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसके साथ कुछ भी अगर लीनियर जैसा हो गया, लीनियर जैसा ये भी है लीनियर जैसा, अगर कल को मान लीजिए ये देखिए इसको देखिए, कल को मान लीजिए हो गया ए एक्स प्लस बी, आप बताइए ये तो उसी जैसा है कि एक्स भी यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ए के बदले जीरो है और बी के बदले भी जीरो, लेकिन है तो लीनियर है तो रैखिक, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा लॉग ए एक्स प्लस बी मॉड के साथ सी हो गया, तो एक बटा एक्स के जैसा है ये, एक बटा एक्स के जैसा फार्मूला लगाए, लेकिन इसका डेरिवेटिव क्या, सिर्फ इसका डेरिवेटिव ए, ए से इसको क्या लगाएंगे भाग कर। आप बात समझ रहे हैं? अब बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब आपको हम दिखा रहे हैं तीसरा नंबर पॉइंट, ये आप बताओ कि ई टू द पावर एक्स डी एक्स क्या होगा, तो आप सोचो कि ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, तो वही हो जाता था याद, e to the power x, e to the power x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा e to the power x, तो इसका भी हो गया e to the power x plus c, लेकिन यहाँ x देख रहे हैं फिर से x है, तो क्या हम इसको इस ढंग से लिख करके बता सकते हैं ax plus b लिख सकते हैं, तो जो इस तरह लिख दिए तो इसी तरह बिहेव करेगा, तो फार्मूला हो जाएगा उतना ही होगा, लेकिन इसका डेरिवेटिव आपको उसको भाग देना होगा, तो इसका डेरिवेटिव ax plus b का डेरिवेटिव कितना होता है, यह हो जाता है आपको a प्लस, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आओगे और देखिए, अभी हम आपको जस्ट बताए थे a टू द पावर x dx का बताए थे ना, तब इसका 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 क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं, यहाँ पर एक a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हम बताते हैं, डिफरेंशिएशन तो इसका हो जाता था a टू द पावर x log a, याद है डिफरेंशिएशन, तो हम आपको क्या चाहिए इंटीग्रेशन चाहिए किसका a टू द पावर x का, ये चल जाएगा कि नहीं नीचे, ये कहाँ चल जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा आपको a टू द पावर x है ये, और log a आएगा कहाँ नीचे, इस पर log a आ गया नीचे, लेकिन इसी को अगर हम लिख दे a टू द पावर px plus q, इसमें ax plus b क्यों नहीं लिखे, क्योंकि a पहले से है, इसको अलग से बना दिए px plus q, ये भी तो सही ठीक है ना, तो जब px plus q लिख दिए तो आप अपने पास इसका फार्मूला इसी के जैसा है, x यहाँ पर ये क्या है कांस्टेंट, ये क्या है x, तो सेम टू सेम है, इसको हम क्या करेंगे वही फार्मूला लिखेंगे a टू द पावर px plus q, नीचे हम क्या लिखेंगे log a, नीचे आ जाएगा इंटीग्रेशन है ना, नीचे आ जाएगा, लेकिन px plus q का जो डेरिवेटिव उससे भाग देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा p, और कल को जब ये पावर में चढ़ गया तो किसी को परेशानी नहीं होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा बताओ, देखो होगा कि नहीं होगा, तो ऐसा करो तो आपको इसको जरा सा लिख लो, ये बात आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहां तहां आपको मिलेगा तो इसके डेरिवेटिव को भाग देना मत भूलिएगा, नहीं तो सारा इंटीग्रेशन गलत हो जाएगा, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे ठीक है। अब इसको हम आगे चलते हैं और भी फार्मूला की और आगे चलते हैं, देखते हैं आगे, चलिए इसको मिटाते हैं, आप लोग लिख लीजिए इसको, चलिए ये फार्मूला नंबर चार था, फार्मूला नंबर पांच की बात करते हैं, फार्मूला नंबर पांच एक बटा एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसको आप कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं आप एक्स टू द पावर माइनस टू डी एक्स, क्योंकि एक्स के पावर वन वाला सिर्फ नहीं लेता है, तो अब इसका कैसे होगा, इसका हम लोग कर देंगे एक्स टू द पावर माइनस, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन माइनस टू प्लस, ऊपर जुटेगा नीचे भी माइनस टू प्लस वन प्लस सी, तो ऊपर क्या हो गया एक्स क्या पावर माइनस वन और नीचे क्या हो गया माइनस वन, तो ऊपर हो गया माइनस वन और नीचे ही आ गया तो एक्स प्लस सी, ऐसा होगा कि नहीं होगा,
तो लेकिन हम इस तरह से आपको नहीं ले जाना चाहते, हम आपको ले जाना चाहते थे कैसे, तो हम आपको सीधे सीधे पूछना चाहते थे कि आप याद करो कि 1/x² किसका डिफरेंशिएशन होता। तो आप वो याद कीजिए, वन हम पूछे आपको 1/x का डिफरेंशिएशन बताओ, तो आप झट से बोलेंगे -1/x², तो हम 1/x² का पूछ रहे थे, इसके साथ जो माइनस था वो कहाँ चल जाएगा, -1/x + c होगा कि नहीं होगा, होगा ना। लेकिन अब इसको हम एक रैखिक के रूप में देखना चाह रहे हैं, तो ये आपको ऐसा हो जाएगा ax + b² ऐसा dx। तो आप इसको बताओ कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे -1/ ax + b लिखेंगे, और बताओ ax + b के बदले में क्या लिखेंगे, भाग में क्या लिखेंगे, भाग में, बात समझ रहे हैं, भाग में लिखेंगे तो नीचे नहीं लिखेंगे, बात इतना आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, समझ रहे। आपको आइए आपको हम जो है 6 पॉइंट बताते हैं, 6 जो लिस्ट ऑफ फार्मूला का 6th पॉइंट है वो हम आपको डिस्कस करते हैं। ये आपका है e^ln√x dx, ठीक है। तो आपको एक फार्मूला याद है, इसका एक फार्मूला होता था e^ln(x)e। जब यहाँ बताओ इसका बेस कितना है, e है ना, और इस पूरा का बेस कितना है, e है। अगर ये दोनों का बेस सेम है तो हम बताए थे आपको e दोनों एक सट सट कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा। तो इस तरह से इसका बेस सेम, जो भी बेस नहीं है तो e है, ln है तो लिखा हुआ e है, इसका हो गया आपको √x dx। और √x dx का आप कैसे कीजिएगा, x^(1/2dx), तो यहाँ हो जाएगा x^(3/2), और नीचे हो जाएगा 3/2, तो ये ऊपर आकर 2/3 x^(3/2+c। तो आपको √x का जैसे डिफरेंशिएशन पूरा रटा गया है 1/2 √x, उसी तरह से आपको √x का इंटीग्रेशन भी आपको एकदम रटा होना चाहिए, इस तरह से करने का जरूरत नहीं है। तो 2/3 पहले आप क्या √x जो पूछ रहा है, 3/2 चढ़ाइए और बगल में क्या लिखिए 2/3। अब इसको हम इस ढंग से लिखते हैं, इसको अगर कोई को लिखा ax + b, ये लिख दिया इंटीग्रेशन, तो आप क्या करेंगे पता, तुरंत से क्या करेंगे, ax + b के पावर में 3/2 डालेंगे, बगल में क्या डालेंगे 2/3 डालेंगे, और फिर तुरंत से नीचे में इसका डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पर सिर्फ x है ना, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है डेरिवेटिव, इसलिए 1 से डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन ax का डिफरेंशिएशन a होता है, उसका कुछ वैल्यू है, इसलिए a लिखते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गया तो आपको पूछा जाए 2x + 3 dx, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि भाई 2x + 3 का 3/2 लिखेंगे, फिर 2/3 लिखेंगे, नीचे कितना भाग देंगे 2 से, ये दोनों सट सट आगे आप कर सकते हैं प्लस सी आप लिखेंगे, हमको करेक्ट करने का जरूरत नहीं है, आप हमको ये मत समझाइए कि भाई आप सी नहीं लिखे सर, आप करो, हम तो कर ही ले रहे हैं, आप करने का आदत डालो, ठीक है। तो आप हमको करेक्ट करने से अच्छा है अपने करेक्ट कर लो, मैं भूल जाऊं तो आप उसको करेक्ट कर लो, ठीक है। सी लिखना लेकिन बहुत ही जरूरी है, बात समझ रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं इससे। तो अभी आगे बढ़ने से पहले हम कुछ कुछ बेसिक प्रॉब्लम पर ही ध्यान देते हैं, इसको देखते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, जो कि देखते हैं कितने लोग सोच पाते हैं इसमें से, आपको कितने को लगता है कि इसमें क्या करना चाहिए। तो आपके मन में हमको लगता है कि जवाब आ जाएगा कि इसमें हम लोग रेशनलाइज करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज। तो अभी तक तो हम लोग 5-6 फार्मूला ही देखे, तो उसके अंतर्गत ही काम करेंगे, तो इसमें हम आप लोग क्या कीजिएगा, रेशनलाइज। कैसे रेशनलाइज होता है, तो 2x + 3 प्लस हो जाएगा, माइनस कंजुगेट से ऊपर नीचे क्या करना पड़ता है ऐसे, और नीचे क्या हो जाएगा 2x + 3 - 2। अब हमको अगर डायरेक्ट करना हो तो इसका होल स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत, क्योंकि नीचे में जो है a + b a - b आने वाला है, ये डायरेक्ट कर दिए, तो आप बताइए ये कितना हो जाएगा, इसका डायरेक्ट 2x + 3 2x + 3, तो 2x जाता है कट जाएगा, और ये माइनस प्लस हो गया, 3 कितना हो जाएगा 6, तो 1/6 हो गया बाहर, 1/6 कितना हो गया 6 बाहर, और आपके बच गया जानते हैं क्या, √√2x + 3 dx, क्योंकि प्लस है तो इसको हम बाय फॉरगेट अलग अलग कर सकते हैं, और यहाँ बच गया √√2x - 3 dx, क्या बोलता है, सही है कि नहीं है।
आप यहाँ से एक बटा छ हमने लिख दिया है, यहाँ पर आप अभी सोच रहे होंगे सी हम आपको बता दे रहे हैं, तो क्या आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बताइए। यहाँ पर हम क्या बोले, एक बटा छ हमने लिख दिया है, ये काम अभी आप सोच रहे होंगे कैसे करना, अभी जस्ट रूट वाला हम आपको बताए हैं और ये आप प्लस सी हम लिख दिए, ठीक है। तो आपको हम समय देते हैं, इसको आप करिए, लेकिन करने ठीक है। तो देखिए क्या किए आप लोग, क्या किए, हम जो बोले थे 2x/3 3/2, इधर में 2/3, अब कैसे भाग लगाना है 2 से, और फिर इधर में क्या हो जाएगा 2x-3 3/2, इधर 2/3, अब किससे भाग लगाना है 2 से, 2 से कट गया, तो यहाँ से हमको लगता है 1/18 1/3 दोनों से बाहर आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x+3/3/2 और 2x-3 2/3 प्लस सी, होगा कि नहीं होगा। चलिए तो ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है। आइए और भी एक मजेदार क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं आपको, तो आपको सिर्फ सोचना है मेरे साथ, आपको सिर्फ सोचना है कि कर क्या रहे हैं, करना क्या है ना, आपको हम सिर्फ कंसेप्ट दे रहे हैं कि सवाल को करना क्या, हम सिर्फ सवाल नहीं बना रहे है ना। ये देखिए a^x b^x dx, आप में से कितने लोग को लगता है कि इसको अगर हम a^b^x कर दे होगा कि नहीं होगा, कितने लोग को लगा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ए जब जब आपका पावर सेम हो तो a^b^x हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और जब नहीं है तो ये किस जैसा है, ये आपको इसके जैसा है, क्योंकि यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, x यहाँ वेरिएबल ये कॉन्स्टेंट है, a^x के जैसा है, तो उसका इंटीग्रेशन a^x लॉग ए मल्टीप्लाई में कि डिवाइड में, डिवाइड में किसमें, डिवाइड में, मल्टीप्लाई कब, डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा पता, ये हो जाएगा आपको a^x/log a + log b लिख दे तो किसको किसको दिक्कत हो गया बताइए। अरे भाई log a b लिखते तो गुना को प्लस में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो कोई दिक्कत नहीं आ गया यहाँ तक, किसी बात का कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आप बताओ, आपको बोलेगा सर इसमें x का नहीं रखे डिवाइड, अरे भाई x का डेरिवेटिव 1 होता, अगर यही में ax+b रहता तो हम इसी में 2x+3 रहता तो हम 2 से डिवाइड करते, बात आप क्लियर समझ गए। इसने किसी को दिक्कत log a plus log b कर दिए तो किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे चलते हैं और भी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है ये थोड़ा सा खतरनाक है, आप सोचिएगा 2^x+5^x / 2^x.5^dx ये कैसे करें, आप एक आपको हम 30 सेकेंड समय दे रहे हैं, आप सोचिए है ना, उसके बाद हम आपको बताते हैं। यहीं पर है हम, देख लिए, देख रहे हैं क्या करना है, क्या करना है इस तरह क्वेश्चन, अभी हम जस्ट किए इस तरह के क्वेश्चन में आप इसको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, इसको क्या करेंगे अलग अलग, और अलग अलग करने के बाद आपको लगता है ये इसके साथ अलग अलग होगा, तो अलग अलग होगा तो हम बच्चा जैसा नहीं लिखेंगे, हम बच्चे जैसा आपको नहीं समझाने वाले हैं, तो ये दोनों कट जाएगा तो 1/5, तो हम क्या इसको 1/5 लिख दे तो कोई दिक्कत आपको, अरे भाई 1/5 ये दो कट जाएगा यही बचेगा जी, अरे भाई इसको अलग करेंगे पहले, ये इसके साथ अलग प्लस फिर इसके साथ अलग, तो 2e कट के 1/2 बचेगा, तो 1 कुछ तो उतने 1/2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 2^x लिख सकते हैं। अब ये किसके जैसा है, फिर से ये a^x के जैसा हुआ कि नहीं हुआ, और जब ये हो गया तो इसको हम लिखेंगे एक, क्या लिखेंगे आप बताओ, तो आप लिखिएगा इसको 1/5 है ना, और उसके बाद लिखिएगा log 1/5 लिखेंगे, और फिर यहाँ पर लिखेंगे log सॉरी 1/2 2^x, और इसको हम लिखेंगे log 1/2 लिखेंगे। लेकिन हम मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि आप ये करो, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब भाग में है तो आप क्या कीजिए और क्या कीजिएगा, तो 1/5 2^x यहाँ लिखिएगा log 1-log 5, भाग में माइनस होता है ना, log 1-log 5, log 1 का मान 0, तो 0-log 5 यहाँ पर आपको हो जाएगा -log 5 होगा कि नहीं, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 2^x यहाँ हो जाएगा क्या चीज log 2 -log 2 होगा। आप बताओ तो इतना करने से अच्छा था, इतना जो हम किए इतना करने से अच्छा हम ये समझते हैं कि इसको हम लोग सीधे लिखते 5^-x, कोई दिक्कत 5^x ऊपर गया -x हुआ कि नहीं, इसको लिखते 2^-x,
और इसको डायरेक्ट करते तो ये हो जाता आपको 5 to the power -x बटा में log 5। लेकिन माइनस एक्स का डेरिवेटिव लगेगा इस बार, क्योंकि एक्स नहीं है यहाँ, माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन होता है, तो माइनस वन लगेगा। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 to the power -x / log 2। ये हम चाहते थे आप करें, हम वो नहीं चाहते थे कि आप 1/a करके इतना लंबा जाए, हम ये चाहते थे आपका दिमाग अगर ऐसा काम किया तो आप बेस्ट है, तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो आप शॉर्ट में जा सकते हैं। इंटीग्रेशन का कोई सवाल ऐसा है कि इतना लंबा है तो उसको शॉर्ट करने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए, ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं, और आप अपने बच्चे हैं तो आप पूछ भी सकते हैं आराम से हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन में हम एक और चीज लेते हैं। एक क्वेश्चन है ले रहे हैं e^5x + e^3x, और नीचे में लिख दिए e^x + e^-x। देख रहे हैं अब यहां पर तो गुना में था, इसको हम बाय फॉरगेट अलग अलग कर दिए, लेकिन आप तो अलग अलग करने का भी खेल खत्म, कैसे किया जाए। तो कैसे किया जाए, तो एक बच्चा ये सोचेगा कि e^5x + e^3x हुआ, और e^x इसको थोड़ा सा प्लस कर ले। कोई बच्चा अगर दिमागर होगा, 8वां 9वां में पढ़ा होगा, टीचर का बात याद रखा होगा, तो बोल सोचा होगा वो कि किसी भी पावर को माइनस में नहीं रहने देना, तो उसको झट से प्लस कर दिया होगा, एकदम सही सोचा। और जब ये ऐसा हो गया तो कल के दिन आप यहाँ एलसीएम भी ले सकते हैं, और एलसीएम होने के बाद ये इसके साथ e^2x बनाएगा, ये कितना बनाएगा 1, क्या बोलते हैं। और ये e^x कहाँ जाएगा, ये e^x कहाँ जाएगा, ये आपको जाएगा ऊपर। अभी तक इंटीग्रेशन का नहीं हुआ इसलिए इंटीग्रेशन का साइन चल रहा है, जब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाए तब इंटीग्रेशन का साइन हटाएंगे। तो ये जो ऊपर चला जाएगा, उससे पहले ऊपर में e^3x अगर हम कॉमन ले लें, तो यहाँ 3 है 5 तो e^2x बचेगा, और यहाँ 3x ले ही लेते वहाँ 1 बचेगा, और नीचे में जो है e^2x + 1, और नीचे में है e^x, ऐसा है ना जी। e^2 ऊपर जाके 3 और 1 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा e^4x, और ये दोनों सट सट कट गए। आप बताओ e^4x बन गया, तो बताओ e का फॉर्मूला इंटीग्रेशन उतना ही होता है e^4x बस नहीं, 4x का डेरिवेटिव को नीचे की ऊपर, नीचे डिवाइड में कितना, 4x का डेरिवेटिव 4 + c। तो कुछ बच्चा जो कि बहुत ही रेगुलर पढ़ाई करता है वो किस इस ढंग से इसको देखेगा, लेकिन जब हम पढ़ा रहे हैं तो आपको इसको इस ढंग से देखना होगा। ये देखिए इस ढंग से, आप कल को इसमें बोलो कि e^4x कॉमन ले ली, हाँ मेरे साथ जो बच्चा पढ़ता पढ़ेगा वो इस तरह सोचना चाहिए, e^4x ले लिए, e^4x लिए 5x, यहाँ क्या एक्स बचेगा, एक्स बचा, और यहाँ तो 3 से ज्यादा ले लिए, तो ज्यादा ले लिए तो एगो माइनस में चल गया, अरे भाई 4 है ही नहीं इसके पास, 1 ज्यादा ले लिए तो इसके पास माइनस हो गया ना जी, माइनस एक्स बचा ना। और नीचे में आपको वही चीज है e^x + e^-x, नीचे में वही चीज है। अब ये सट सट बोलो e^4x dx हुआ कि नहीं हुआ, तो हम ये बच्चा बहुत अच्छा है और ये सभी को आना चाहिए, लेकिन अब जब हम लोग एक स्तर पे पहुंच गए हैं तो ये कोई काम नहीं, आपको ये चीज सीखना है। ये e^4 कितना हो गया, 4x/4 + c। बात समझ रहे हैं, बात समझे कि नहीं समझे, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिससे आपको और भी समझ में आएगा कि बस हम इतने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इंटीग्रेशन को आपको किस ढंग से लेना, आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, आप कितना शॉर्ट जा सकते हैं, लंबा जाने की जरूरत नहीं है, लंबा जाएंगे तो लंबा चले जाएंगे, ठीक है। तो आइए एक लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से आगे देखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका dx/x²-5x + 6। ये देखने के साथ साथ बच्चा को लगता है कि पहले इसको फैक्टराइज किया जाए, सही लगता है, एकदम सही लगेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे के हिसाब से कि
कि सर इसको फैक्टराइज कर दीजिए। तो बच्चा को हम बोलेंगे ठीक है कर दिए फैक्टराइज, एक्स माइनस दो एक्स माइनस तीन हो गया। आप कर सकते हैं एक्स गुना एक्स स्क्वायर और एक्स गुना तीन माइनस तीन एक्स में एक्स गुना माइनस दो माइनस पांच दो गुना तीन छः, ठीक है हो गया। तो अब क्या है, अब आपको याद होगा कि जब हम लोग अब इसको कैसे करें, ये तो गुना में आ गया। तो जब भी देखिए कि इसका डिफरेंस क्या है, वन है। देखिए दो और तीन में डिफरेंस कितना का है, वन है ना। तो जब इस नीचे में फैक्टर हो और दोनों जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंस वन हो तो ऊपर भी तो वन है, तो दोनों का डिफरेंस कर दो एक्स माइनस दो माइनस एक्स माइनस तीन। ऊपर में वन है कि नहीं, ऊपर वन है ना, चाहिए वन चाहिए। तो देखो एक्स और एक्स गया खेल ले कट कट सट सट माइनस दो माइनस माइनस प्लस तीन, तीन माइनस दो कितना हो गया एक। तो क्या एक के बदले इतना लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है बताएंगे हमको, लिखा जा सकता है। और जब ये लिखा जा सकता है तो आप समझ गए कि आप दोनों यहाँ गुना में है, तो इसको बाय फॉरगेट किया जा सकता है। तो जब इसको बाय फॉरगेट करेंगे आप, तो बाय फॉरगेट करेंगे तो आपको हमको लगता है ये कट के ये बच जाएगा एक बटा एक्स माइनस थ्री डी एक्स, और ये दोनों कट करके बच जाएगा एक बटा एक्स माइनस दो डी एक्स। अब ये किसके जैसा है आप हमको बताएंगे, ये किसके जैसा है, ये किस फार्मूला पर आएगा, ये आएगा आपको इंटीग्रेशन वन बाई एक्स। तो आपको बताए थे वन बाई एक्स, वहाँ एक्स था, यहाँ पर रैखिक समीकरण, तो एक ही जैसा फार्मूला पर आएगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स माइनस थ्री माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा लॉग एक्स माइनस दो प्लस सी। ज्यादा अगर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस थ्री बाई एक्स माइनस टू प्लस सी। समझ रहे बच्चों? तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, इतना आप लोग पढ़ लो, इतना आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ो, उसको पढ़ो और उसके इतना आप पढ़ने के बाद हमको बताना कि हम पढ़ लिए, तब हम आपको बताएंगे क्या करना। अपने से कुछ मत करना बच्चों, हम आपको बता रहे हैं अपने से तेज बनने की जरूरत नहीं है। हम जब कहेंगे कि ये बनाना है तो वो बनाना है, हम आपको एकदम जीरो लेवल से ले जाना चाहते हैं। आप एग्जाम्पल देख के, हिंट देख के, सोल्यूशन देख के बेशक बना सकते हैं सारा फार्मूला, लेकिन आपको वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। इसलिए आप ध्यान रखें कि आपको सिर्फ बनाने नहीं आना है, उसको अपने अंदर ढालना भी है, ताकि कल को आप किसी को बता सको। धन्यवाद।